8 बज चुके हैं सुबह के, 10 मिनट रहते हैं 8 बजने में, और ये आप देखें इतना सा अभी अंधेरा जो है वो बाकी है। और 8:12 तक नमाज का टाइम होता है कि आप नमाज पढ़ सकते हैं, और अभी दिन जो है वो मजीद छोटा छोटा होता जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स जो है वो सारी अभी तक ऑन है। चलें चलें बैठे। वेलकम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में ठीक ठाक खुशाबाद रखे, और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएं, आमीन जी। गाड़ी में बैठते ही कैमरा जो है वो अबराज साहब के हाथ आ चुका है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि अंधेरी की तरह घुमाया हुआ है उसने। सबसे पहले अबराज का स्कूल आ जाता है। लकीली जो इन दोनों के स्कूल्स हैं ना वो सेम ही रास्ते पे जाते हैं, मतलब कि सेम ही रास्ते पे हैं। पहले अबराज का स्कूल आ जाता है, फिर उसको ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद मिराज का स्कूल। ये वाली वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है, और स्पेशली उन मदर्स को जो कि पाकिस्तान से बाहर यानी कि यूरोप के किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में रहती हैं। मुझसे पहले भी आप लोगों की रिक्वेस्ट मिली थी, आप लोगों ने कहा कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊं एक वीडियो, और फिर अभी मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट लगाई थी कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो वहाँ पे भी मुझे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी वो यही थी कि आप बताएँ कि आप बीइंग अ मुस्लिम मदर वहाँ पर किस तरह मैनेज करती हैं। तो इस तमाम हवाले से मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। और जी ये देखिए वापस मैं घर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने नाश्ता किया जल्दी से, और नाश्ते के बाद मुझे जब मैं चाय बना रही थी ना तो मुझसे पत्ती के थोड़े से दाने गिर गए शेल्फ़ के ऊपर, और फिर वैसे भी देखिए आप कितना मैसी हुआ पड़ा है, तो मुझे इसको भी क्लीन करना था। तो उसके लिए मैंने फिर सारी इसके नीचे जो पब्लिसिटी जो न्यूज़पेपर बिछाया हुआ था उसको भी मुझे क्लीन करना था, और मैं हमेशा रैक्स जो होते हैं उनके नीचे उनको क्लीन करके तो न्यूज़पेपर जो है वो बिछा देती हूँ। फिर उसे क्या होता है कि एक दफ़ा ही कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर जो होता है उसको मैं चेंज कर देती हूँ, नीचे से जो शेल्फ़ होती है उसको भी साफ़ करना ज़रा आसान हो जाता है। तो और सेम यही मैंने यहाँ पे भी किया। साथ, साथ काम करते रहने से ना कि छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं उनको बंदा साथ ही क्लीन करता रहे तो वो काम इतना महसूस नहीं होता, बजाय इसके कि जब आप एक सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा सारा काम एक दफ़ा ही कर लेंगे इकट्ठा हो जाए, तो वो मुझे पर्सनली मुश्किल लगता है। मैं मुझे ऐसे ईजी लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा बंदा साथ साथ ही काम जो है वो करता जाए। है सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और मुझे इस कैबिनेट को ही क्लीन करना था, और ऊपर वाले जो दो रैक थे उनको भी मैंने क्लीन किया था, और ये वाला भी मैंने क्लीन किया था। और जो कैबिनेट्स हैं वो तो उनकी जो बाहिस से खिड़कियां वो तो मैं तकरीबन डेली नहीं तो दूसरे दिन क्लीन करती ही रहती हूँ, जहाँ से मुझे लगता है कि उसको क्लीन की ज़रूरत है तो वो मैं करती रहती हूँ साथ साथ। और स्पेशली जो स्टोव के ऊपर आती हैं जहाँ पे ज़्यादा ऑयल जो होता है उसके जमने की और वो भाप की वजह से जो होता है तमाम, वो फिर मैं साथ साथ ही तकरीबन जब भी मैं स्टोव क्लीन करती हूँ तो साथ ही फिर मैं वो भी क्लीन कर देती हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो चीज़ें यहाँ से मैंने लर्न की, जो मैंने सीखा इन लोगों से, इनके प्ले स्कूल से, कि छोटे बच्चों के साथ इन लोगों का किस तरह का बिहेवियर होता था, वो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर करूंगी, जो कि मैं नहीं कर सकी, मुझे इतना वो वीडियो जो है वो लेट होती चली गई। लेकिन अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, मैं ये वाली वीडियो जो है ये भी बना रही हूँ। यहाँ के जो प्ले स्कूल होते हैं वहाँ पे 1 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे होते हैं, लेकिन सबके अलहदा अलहदा ग्रुप होते हैं, और हर ग्रुप में 24 से 25 बच्चे होते हैं। और आप इमेजिन करें कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक ग्रुप में 24 से 25 कितना मुश्किल हो जाता है उनको मैनेज करना, और उनके ऊपर 3 टीचर्स होती हैं, और उन्होंने अपने बच्चों के साथ उनके अपने बिहेवियर्स होते हैं वो इस तरह के सेट किए होते हैं कि बच्चे ऑटोमेटिकली वो जो कर चुके होते हैं, बच्चों के साथ उनका प्यार भी होता है, लाड भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ओवर लाड प्यार और बेजा लाड प्यार बच्चों को हमेशा स्पॉइल ही करते हैं। ये जो बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ ना, ये मैंने खुद जो महसूस की हैं वो हैं, हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से एग्री करें और कुछ लोग नहीं एग्री करें। मेरा ये मानना है कि बच्चों के साथ बेजा और ओवर लाड प्यार आपके बच्चे को भी ख़राब करता है, और आपके लिए मुश्किल भी पैदा करता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। छोटी छोटी सी बातों को लेकर आप जितने कॉन्फिडेंट तरीके से अपने बच्चे के साथ बात करेंगे, आप उसको बताएंगे कि कोई भी बात घुमा के नहीं बल्कि सीधी साफ कहनी चाहिए, तो यही बात आपका बच्चा सीखता भी है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देता है। जब हमने
ब्राज का प्ले स्कूल यहाँ पे स्टार्ट करवाया था, तब मुझे ज़ीरो लैंग्वेज आती थी, लेकिन इसके बावजूद जो बातें मैंने सीखी थी उसकी वजह भी ये है क्योंकि जब बच्चे आपके यहाँ पे जाना स्टार्ट करते हैं तो जो पहले 2 हफ्ते हैं वो मदर्स को बच्चे के साथ ही रहना पड़ता है, 2 घंटे से लेके आहिस्ता आहिस्ता वो 3 घंटे तक लेके जाती हैं, और जो पहला वीक होता है वो तो डेली मैं भी उधर ही स्टे करती थी इसके साथ। लेकिन इसके बावजूद जो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी कि बच्चों के साथ इनका, ये नहीं कि आप रूड बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बात करते हैं और कोई लाड नहीं, कोई कुछ नहीं, और लाड कहने को करती भी हैं टीचर्स, उनको उठा भी लेती हैं और उनको गोद में भी रखती हैं और उनके मुँह भी चूम रही होती हैं इवन के बच्चों के। और जब छुट्टी का टाइम होता था, मतलब आपके जाने का टाइम होता था, तो तब वो कहती हैं टीचर्स के आपने हमेशा अपने बच्चे को बता के जाना कि मैं तुम्हें छोड़ के जा, ये नहीं कि छुप छुपा के आंख बचा के निकल गया तो बच्चे को बाद में पता चले। तो ये चीज़ जो होती है ना, जब आप पहले दिन से बताना शुरू कर देते हैं तो 1-2 दिन बच्चा जिद करता है, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। और ये जो कि पाकिस्तान में नहीं, अक्सर करती हैं हम खवातीन ऐसे कि बच्चे को बस दूसरे बच्चों में मशगूल किया और आँख बचा के निकल गया कि चलो जो काम है बाजार वो तो कर रहा है ना, बात की बात में देखी जाएगी। छोटी छोटी सी बातें, आपने जब छोटे बच्चे को मुंह आप उनका धुलवाते हैं, वॉशरूम में लेके जाते हैं, मैंने एक दिन भी अपने बच्चों को नहीं कहा कि आपने हाथ वॉश करने हैं तो कलमा पढ़ना, और वो मुझे नौबत ही नहीं आई। उसकी वजह यह थी कि मैं अब्राश को लेके जाती थी तो मैं खुद उसके हाथों पे कलमा पढ़ रही होती थी। हम खाना शुरू करते हैं तो मैं ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ रही होती हूँ या फिर मेरे हस्बैंड पढ़ रहे होते हैं, छींक आई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला है, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोला। और ये बातें जो है अगर हम कभी भूल भी जाएं तो अब्राश हमें याद करवाता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी छोटी सी जो बातें होती है ना, ये आपके एक्शन से बच्चे सीख जाते हैं। रोज़ाना सोने से पहले का जो टाइम होता है ना बच्चों के साथ, वो सबसे बेस्ट होता है ये काम करने के लिए कि आज आपने दिन में क्या खाया, स्कूल में किसके साथ खेले, कौन सा नया दोस्त बना। और ये बातें रोज़ रिपीट करने से बच्चों को खुद भी आदत हो जाती है बातें शेयर करने की। पाकिस्तान की निस्बत जो यहाँ पे रहने वाले पेरेंट्स होते हैं ना पाकिस्तान से बाहर, उनकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो मज़ीद बढ़ जाती हैं परवरिश को लेके, और एक आप मेंटली भी स्ट्रेस होती है आपको इस चीज़ को लेके कि आप अपने बच्चों की, ऐसा ना हो कि शायद उनकी परवरिश में कोई कमी रह जाए या कभी अल्लाह ना करे आपको कोई मुश्किल का ना सामना करना पड़े। 3 साल की उम्र तक हमने अब्राज के साथ बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया और पूरी फैमिली ने ही उसके साथ लाड प्यार किया, और अब्राज था भी एक तरह का इकलौता ही हमारी फैमिली में, जब वो पैदा हुआ था तो सब बड़ों में छोटा था वो। और उसके बाद जब वो 3 साल से उसकी जैसे जैसे उम्र ज़्यादा हुई तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अब इसके साथ अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करें, हमने तोतली बातें और वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया। नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही बच्चे के साथ रूड हो जाएं, प्यार भी बच्चों पे आता है, लाड भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हर बात करने का एक तरीका होता है। उम्र के साथ साथ ही ये बातें जो है वो भी काम करती हैं, बजाय ये कि 8 साल तक आपका आप अपने बच्चे के साथ 2 साल के उम्र के बच्चे वाला बिहेवियर है और वो जब 9-10 में जाता है तो आप उसके ऊपर तमाम तर जो जिम्मेदारियां वो एक ही दफ़ा से थोप दें, यहाँ से ऐसे करना था, ऐसे नहीं करना था। 7 से 8 साल की उम्र में आपका अपने बच्चे के साथ जो बिहेवियर है वो सख्त होने की बजाय फ्रेंडली होना चाहिए, और ये वाली बातें आहिस्ता आहिस्ता ही बच्चों के मासूम जहनों में बैठती हैं। अब्राश अब बड़ा हो रहा है, हमें अब काफ़ी चेंज नज़र आता है, और फ्रेंडली क्यों होना पड़ता है उसकी वजह यही है कि आपका अपने बच्चे के साथ बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि वो कोई भी बात आपसे खुल के कर सके, उसको ऐसे ही लगे कि अपने वो किसी फ्रेंड के साथ ही बात जो है वो शेयर कर रहे हैं। और हम अक्सर इस टॉपिक पर बात भी कर रहे होते हैं और एग्जैक्टली हमारा अभी तक अब्राश के साथ बिहेवियर ऐसा ही है। छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं हम बच्चों को जो एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम, मैंने काफ़ी ज़्यादा अब्राश के साथ बातें एक्सप्लेन की हुई हैं, हराम हलाल और वैसे भी मुस्लिम हमारा क्या कल्चर है और हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं, मतलब कि जितनी अभी उसकी एज है जितनी बातें वो आसानी से समझ सकते हैं वो बातें हमने काफ़ी उसको समझाई भी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको बता भी रहते हैं। अपनी लाइफ में वो हार्डली 3 दफ़ा पाकिस्तान गया, 1 दफ़ा वो बहुत छोटा था वो तो उसको याद ही नहीं, और दूसरी दफ़ा वो गया था 3 माह के लिए और उसके बाद वो 2 माह के लिए। ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कितनी ज़्यादा बातें होती हैं जो बच्चे आपके पाकिस्तान में रहते हुए इधर उधर से ही सीख लेते हैं, दूसरों से सुन लेते हैं, बड़ों से सुन लेते हैं, और वो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। कोशिश हमारी यही है और मुझे लगता है कि सब पेरेंट्स की यही कोशिश होती है कि वो जितना अच्छे से अच्छे तरीके से अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें, जितनी अच्छी बातें वो अपने बच्चों तक पहुँचा सकें, सब ही पहुँचाते हैं। चाहे आपकी बेटी हो या चाहे आपका बेटा हो, दोनों सूरतों में ही आपको ये टेंशन रहती है कि आप अच्छे से अच्छा अपने बच्चे को सिखा सकें। और ये बिल्कुल भी मुझे बात अच्छी नहीं लगती कि जिनकी बेटियां होती हैं वो उन
को ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है या उन पे ज़्यादा होता है, लेकिन बेटों की को भी लेके आपको उतनी ही टेंशन होनी चाहिए। और एक बात जो मुझे फील होती है कि अल्लाह ना करे अल्लाह ताला की तरफ से दुख आते हैं, जो इंसान ने परेशानी देखनी हो वो देख के रहता, चाहे वो पाकिस्तान हो या वो फिर पाकिस्तान से बाहर हो। बस हम जो यहाँ पे रहने वाले हैं हमें ज़्यादा परेशानी बन जाती है कि कोई अल्लाह कभी भी ना करे कि किसी पे ये टाइम आए कि कोई उसकी परवरिश पे उंगली उठाए। और परेशानियाँ जो होती हैं ना वो दोनों सूरतों में ही होती हैं, वो पाकिस्तान में भी होती हैं और पाकिस्तान से बाहर भी होती हैं। अपने मुल्क में अपने कल्चर में आपको एक यही प्लस पॉइंट होता है कि जो हमारा दीन है उससे छोटी छोटी जो रिलेटेड बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। और यहाँ पे इवन के कलमा हाथों पे पढ़ना और इस तरह की छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं वो भी आपको खुद अपने बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ती हैं। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।